अजमेर क्षेत्र आम का तालाब से आए हैं, वार्ड नंबर 41 से आए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने परसों के दिन भी रोड जाम किया था, पुलिस प्रशासन ने आके हमें धकेल दिया है। उस वजह से हमारा कोई कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा बच्चा बहुत बीमार है और उससे इन्फेक्शन की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। अभी भी उसका मेडिकल चेकअप चल रहा है, तो कृपया करके आप निकासी करवाएं हमारे क्षेत्र की। आज आप कलेक्टर ऑफिस आए, क्या आश्वासन दिया आपने? कलेक्टर साहब हमें मिले नहीं हैं और हम SDM के पास गए, उन्होंने कहा कि ये काम आप नगर निगम पे जाएं। हम नगर निगम में भी हमने पार्षद को बोल दिया, हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं है वहाँ पे। कौन सा वार्ड है, क्या नाम है पार्षद? वार्ड नंबर 41 है और पार्षद का नाम नौरतमल गहलोत है। ठीक है, आपका नाम? तरुणा माथुर। हम ये पानी की निकासी को लेकर आम के तालाब, शक्तिनगर आम के तालाब से आए हैं और सारी महिलाएं मिलकर आई हैं कि ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को, ताकि हमारे पानी का निकास हो सके। और पानी का निकास कहीं से भी नहीं हो पा रहा। आपको मालूम है, अभी पहले पूरी सारी मीडिया आ चुकी थी। अभी हमने परसों के दिन रोड जाम किया था। रोड जाम करने के बाद हमारी थोड़ी बहुत सुनवाई हुई है, पर जो हम चाहते हैं वो सुनवाई हमारी नहीं हो पा रही है। इस तरह की परेशानी देखिए, ये इस तरह की परेशानी, 5-5 फीट मकान के अंदर पानी भरा हुआ है बिल्कुल। आप बच्चे परेशान, बीमारियां हो सकती है बच्चे को, इन्फेक्शन हो सकता है। प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, निगम भी जाकर। कौन सा वार्ड है और क्या नाम? हमारा वार्ड 41 है। हमारा पार्षद है नौरतमल गहलोत, उसको भी हमने बोल चुके हैं उसको भी। कलेक्टर साहब तो मिले नहीं, SDM के पास हम लोगों ने अपना लेटर दिया है। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। ठीक है, आपका नाम बताइए। इंदिरा सोनिया।